राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिनों के लिए शहर कानपुर में रहेंगे। 24 और 25 नवंबर को कानपुर आ रहे प्रेसिडेंट के लिए लगातार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 24 नवंबर को राष्ट्रपति दिल्ली से अपने विशेष विमान से चलकर चकेरी एयरपोर्ट सुबह 11:05 पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से वह चौधरी हरमोहन सिंहपुरवा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और वहां से सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। 25 नवंबर को राष्ट्रपति HBTU में आयोजित शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। HBTU में होने वाले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति सीधे हेलीकॉप्टर से वहां बनाए गए हेलीपैड में लैंड करेंगे। इसके लिए हेलीपैड बनाने का काम तेजी से जारी है। वहीं इसके बाद HBTU में भव्य शताब्दी भवन का लोकार्पण करेंगे। यहीं पर छात्रों का दीक्षांत समारोह रखा गया है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिनों के दौरे पर कानपुर आने वाले हैं। 24 और 25 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में रहेंगे। इस दौरान 24 नवंबर को सुबह उनका हेलीकॉप्टर चकेरी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद वो सुखराम सिंह यादव, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, यानी मेहरबान सिंह का पुरवा जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद 25 तारीख को वो HBTU में शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। आपको दिखा दें किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये शताब्दी भवन है। शताब्दी भवन में इस शताब्दी भवन का भी लोकार्पण होगा और इसके अलावा इनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड होगा। इसके लिए हेलीपैड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सड़कें भी लगातार बनाई जा रही हैं और काम तेज गति से चल रहा है। बता दें, इससे पहले इसी साल जून में 3 दिनों के लिए राष्ट्रपति कानपुर पहुंचे थे, जिसमें वे खास तौर पर डिजाइन की गई महाराजा एक्सप्रेस से आए थे, लेकिन इस दौरान उनकी फ्लीट के कारण जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी, जिसमें IIA के अध्यक्ष की मौत हो गई थी। जिसके बाद इस बार फैसला लिया गया है कि राष्ट्रपति शहर में होने वाले कार्यक्रमों में भी हेलीकॉप्टर से ही घूमेंगे। आपको बता दें, इससे पहले 3 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर आए थे। उस दौरान वो महाराजा प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से आए थे, लेकिन इस दौरान शहर में एक दुर्घटना हो गई थी। उनकी ट्रेन को लिए 2 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका जाना था, लेकिन अधिकारियों ने 25 मिनट के लिए रोक दिया था। इस दौरान IIA की अध्यक्ष की मौत हो गई थी, तो जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शोक व्यक्त किया था। इसलिए इस बार वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और शहर में, यदि चूंकि उसी दौरान एक टेस्ट मैच भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है, तो UPCA ने उनको आमंत्रण भेजा है। यदि वो वहां जाएंगे तो वो शहर में जहां भी जाएंगे इसके लिए हेलीकॉप्टर का ही यूज करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के लिए कानपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि राष्ट्रपति के आगमन से पहले सारी तैयारियों को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन ऋषि यादव के साथ प्रशांत मिश्रा, AB News, इंडिया।